हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है। बीएड फर्स्ट ईयर लर्निंग और टीचिंग का पेपर है, पेपर नंबर 3 है। देख लेते हैं पेपर नंबर 3 में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये 2022 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, तो इसे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए, फ्रॉम विच लैंग्वेज इज वर्ड ऑफ साइकोलॉजी ड्राइव्ड, यानी कि आप देखिए साइकोलॉजी शब्द का जो भाषा से, किस भाषा से जो लिया गया है वो है ग्रीक। किसे लिया गया है? ग्रीक से लिया गया है। ओके, ग्रीक लैंग्वेज से इसे लिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रीक है। ओके, तो अब सेकंड शब्द है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन दो शब्दों से मिलकर हुई है? ये तो आपको पता ही होगा, साइकी और लोगोस। साइकी का मीन्स होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि आत्माओं का ज्ञान जो होता है वो हम कह सकते हैं, या आत्माओं की मन की आत्मा का जो ज्ञान होता है उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। प्लूटो व अरस्तु ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना है? आत्मा का विज्ञान, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, वो है आत्मा का विज्ञान। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर फोर है, किस मनोवैज्ञानिक ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की? तो इस बच्चे ने लगाया है थॉर्नडाइक, बट ये जो है विलियम वुंट थे। विलियम वुंट ने जो है आपको जो 1879 में जो दिया था वो थी फर्स्ट प्रयोगशाला, जो कि कोलकाता में थी। ओके जी, सेकंड देखेंगे, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है? व्यवहार का, बिल्कुल सही है, व्यवहार और मन का माना जाता है। बट 100% जो श्योरिटी होती है वो व्यवहार की होती है, क्योंकि स्किनर के साथ लोग जाते हैं ज़्यादातर, तो हम इसे व्यवहार का विज्ञान लगाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति है वैज्ञानिक, यानी कि साइंटिफिक अप्रोच के साथ आप शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मानवीय व्यवहार और शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। यह भाषा किसने कही थी? तो आप इसे देखेंगे, बीएम स्किनर का जो है ये कथन है जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हु सेड द एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिमेटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट? तो ये स्टीफन थे, स्टीफन ने इसको कहा था। ओके, सर्वप्रथम मनोविज्ञान अपनी आत्मा को त्याग, तत्पश्चात उसने अपनी चेतना को त्याग, वर्तमान में वह व्यवहार को अपनाए हुए हैं। ये किसने कहा था? ये जो कहा था वुडवर्थ थे। वुडवर्थ ने जो कहा था वो था 1948 में, इसको कहा था 1948 में जी, 1948 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, मनोविज्ञान यह शिक्षा में मनोविज्ञान की प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसको जाता है? ये देखिए मनोविज्ञान में जो आप देखो फ्रोवेल के साथ ये बच्चे ने लगाया है, बस इसका जो है आप देखेंगे पेस्टोलॉजी था, पेस्टोलॉजी शब्द ने कहा था, और ये फ्रोवेल और दोनों के साथ का भी ऑप्शन है, तो बच्चे का ये ऑप्शन सही भी हो सकता है, यानी 50-50 की ओर जाएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी है क्या है? सकारात्मक विज्ञान, मानक विज्ञान, झूठा विज्ञान, विज्ञान नहीं बल्कि एक कला। देखो विज्ञान एक कला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, झूठा विज्ञान भी नहीं है। मानक विज्ञान होता है नॉर्मेटिव साइंस भी नहीं है ये, तो आपका ए आंसर इज करेक्ट। ओके, शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन सीखने के लिए भी होता है, शिक्षण के लिए, यानी लर्निंग, टीचिंग और लर्नर तीनों के लिए होता है, इसका मतलब डी है। ओके, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ किसने कहा कि शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का क्रमबद्ध अध्ययन है? यानी कि ये स्टीफन थे, स्टीफन ने ऐसा कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा विज्ञान है? ये थे एडविन ने इसको कहा था। शैक्षिक मनोविज्ञान एक शिक्षक को अपने शिक्षण को किसके अनुरूप बनाने में मदद करता है? ये आप समझिए, देखिए किसके अनुरूप बनाने की, अनुरूप की बात आती है, किसके लिए बनाता है? तो देखो पाठ्यक्रम और परीक्षा के लिए हो ही नहीं सकता, यानी कि शिक्षार्थी के लिए बनाता है, लर्नर के लिए बनाते हैं पाठ्यक्रम। तो कोई लेवल अगर हम डिसाइड करते हैं शिक्षा का, तो वो होता है शिक्षार्थी के अकॉर्डिंग। ठीक है,
एकल अध्ययन यानी केस स्टडी का उद्देश्य होता है, देखिए केस स्टडी का जो अध्ययन होता है गहन जानकारी के लिए भी होता है, उपचार और सुधार के लिए भी होता है, निदान यानी कि आप किसी भी टॉपिक्स के बारे में आप डिस्कशन कर सकें और उसका निदान कर सकें उसके लिए भी होता है, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट रहेगा, इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। ओके ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है निदान की प्रवृत्ति प्रवधि सॉरी प्रवधि प्रयुक्त की जाती है, निदान की प्रवृत्ति प्रयुक्त की जाती है प्रवणता परीक्षण के लिए, रुचि परीक्षण के लिए और उपलब्धि परीक्षण के लिए, यानी कि उपयुक्त तो सही इसका डी आंसर है। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं, विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं तो देखिए पिछड़े बालक आते हैं, विशिष्ट बालक ये बच्चे ने गलत लगाया हुआ है, पिछड़े बालक जो है हमारे जो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। पिछड़ेपन की पहचान क्या होती है, पिछड़ेपन सामूहिक रूप से परीक्षण भी करके हम पहचान सकते हैं कौन बच्चे पिछड़े हैं और कौन नहीं हैं, उपलब्धि परीक्षण से भी पहचान सकते हैं और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से भी पहचान सकते हैं, यानी डी आ इसका आंसर है। ओके विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषताएँ होती हैं, विशिष्ट बालक यानी कि जो बच्चे होते हैं जो मेंटल डिस्टर्ब जो बच्चे होते हैं यानी कि जिन्हें हम पहले से डिफाइंड करते थे कि ये बच्चे जो प्रतिभा सॉरी विशिष्ट बच्चे हैं तो उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं होती है, तो इसका है साधारण बालकों से भिन्न व गुण व्यवहार वाला बालक, यानी कि साधारण बच्चों से वो अलग रहता है ना, साधारण बच्चों से अलग रहते हैं और उनमें एक डिसेबिलिटी टाइप एक विशेष गुण होता है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ठीक है, मंद बुद्धि एक फैक्टर है तो इसलिए ये डी ऑप्शन नहीं होगा, सी होगा। मानसिक मंदता का मुख्य कारण होता है, मानसिक मंदता का मुख्य कारण जो होता है वो होता है देखिए वातावरण, वातावरण भी होता है और वंशानुक्रम होते हैं, यानी वातावरण यानी एनवायरमेंट और वंशानुक्रम हेरिडिटी दोनों से मिलकर ही आपको जो है मंदता आती है, मैंने डिसेबिलिटी की बात हम कॉज जो होते हैं डिसेबिलिटी के वो आते हैं तो यानी कि दोनों से होता है ना। ओके बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, बुद्धि की यह परिभाषा दी थी, बुद्धि यह टर्मन ने दी थी, किसने दी थी टर्मन ने, बुद्धि वह है जिसे बुद्धि परीक्षणों के द्वारा मापा मेजर्ड किया जा सकता है, यह किसने कहा था, ये जो कहा था वो थे गाल्टन, किसने कहा था गाल्टन ने, पर यहाँ एडविन बोरिंग का जो है हमें जो हमने जो सर्च किया था तो हमें पाया कि जो है गाल्टन की जगह पर एडविन बोरिंग को सही माना गया है, तो आप एडविन बोरिंग के साथ जाएंगे और गाल्टन को हटा देंगे। ओके सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द किसने प्रयुक्त किया, सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द जो प्रयुक्त किया था एल्फ्रेड बीने ने किया था, किसने किया था एल्फ्रेड बीने ने। ओके यहाँ चलेंगे थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार 3 हैं, ये भी करेक्ट हैं, बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत जो है वो संक्रिया, त्रिआयामी सिद्धांत जो है संक्रिया और विषय वस्तु उत्पाद है, ये बिल्कुल एकदम करेक्ट है। आप देखेंगे बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो दिया था वो थॉर्नडाइक ने दिया था। ओके बुद्धि का परीक्षण का मुख्य रूप है, देखिए शाब्दिक परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण यानी नॉन वर्बल वर्बल और प्रैक्टिकल यानी तीनों ही परीक्षण जो हैं बुद्धि के परीक्षण में काम आते हैं। प्रमाकीकृत परीक्षा की विशेषता क्या होती है, तो स्टैंडर्डलाइज्ड बताना है टेस्ट इज क्या होता है, तो विश्वसनीयता होती है, रिलायबिलिटी होती है, वैलिडिटी होती है, नॉर्म्स ये तीनों ही होते हैं, तो इसका मतलब है आपका आंसर होगा डी। ओके भाटिया बैटरी परीक्षण में, भाटिया बैटरी परीक्षण में हैं कितने उप परीक्षण हैं, तो इसका ऑप्शन है 5 यानी कि ये करेक्ट लगाया हुआ है। आप देखेंगे 31 निम्नलिखित में से किस को बुद्धिलब्धि से संबंधित अंतर वाले वर्ग में नहीं रखा जाता है, ये है आपका कला व रुचि वाले वर्ग को नहीं रखा जाता है, तो आप देखेंगे कि पिछले समय और स्वर में अंतर करने की क्षमता को कहा जाता है म्यूजिकल बुद्धि। ओके 33 तार्किक बुद्धि साधारणतः किन में ज़्यादा विकसित होती है, तो गणितज्ञों का ऑप्शन दिया है, वैज्ञानिकों में दिया है और जासूसों में दिया है, यानी कि जो डिटेक्टिव्स होते हैं उनमें, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन होते हैं उनमें, यह तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, इट मीन्स ये डी होगा।
थॉर्नडाइक के अनुसार शिक्षकों, वकीलों, चिकित्सकों व एवं दार्शनिकों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो इसमें होती है अमूर्त बुद्धि। ओके, स्टेफन फोर्ड बीने परीक्षण के लिए उत्तरदायी बीने ने निम्नलिखित में से किसको मानसिक विकास का सूचकांक माना है? ओके, किसको सूचकांक माना है इस क्वेश्चन में? देखिए, मानसिक आयु को माना है, बट मैं इसके ओर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन डाउट में पाया है, इसका सर्च कर रहा हूँ, देन सर्च करने के बाद मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ओके, 36 क्वेश्चन को देखेंगे। एक 50 वर्ष के व्यक्ति की मानसिक आयु 16 है तो उसका आईक्यू लेवल की उपलब्धि बताइए। आईक्यू की उपलब्धि बतानी है सर। क्या होता है मेंटल एबिलिटी अपॉन क्या होता है आईक्यू का फॉर्मूला होता है एम ए अपॉन सी ए इंटू एम ए अपॉन सी ए और इंटू में होता है सर एम ए अपॉन सी ए और इंटू में होता है 100। कितना होता है 100, तो ये लिख रहा है, तो यहाँ से इसे क्रॉस किया गया है तो क्या आया है इसका आंसर 32, तो यानी ए इज़ द राइट आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37। स्टेफन बीने के परीक्षण मापन करता है, कौन करता है? बुद्धि का। ओके जी, आईक्यू स्तरों में औसत आईक्यू समूह का चयन करें। क्यों होता है सबसे ज़्यादा नॉर्मल आईक्यू की बात करते हैं तो नॉर्मल से नॉर्मल आपका जो आईक्यू लेवल होना चाहिए वो 92.119 होना चाहिए। रोहन, जब मानसिक आयु और तथा वास्तविक आयु दोनों का मान 20 वर्ष है तो उसकी बुद्धि का वर्ग होगा कौन सा? होगा औसत, होगा औसतन होगा। आईक्यू का सूत्र ये मैं अभी आपसे कर चुका था, यानी कि इसका बी आंसर होगा, करेक्ट। ओके, 41 की बात करेंगे, 41 की बात करेंगे तो इसका आंसर है आपका सी। ओके, 42 की बात करेंगे, सृजनशीलता का मुख्य घटक क्या है? तो वो होता है, देखिए सृजनशीलता का जो मुख्य घटक होता है वो होता है केवल सकारात्मक पर, तो मैंने उसमें जो है आप देखेंगे तो केवल सकारात्मक केवल नकारात्मक आप ए और बी दोनों की ओर जाएंगे, ठीक है। सृजनशीलता का मुख्य घटक क्या होता है? सृजनशीलता का मुख्य घटक होता है कि आप मौलिकता की ओर जाएंगे। ओके, तो आप इसे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनरल साइकोलॉजी के पुस्तक हैं, इसको देखिए, इसमें जो है एक डाउटफुल है हमें भी कि इसमें कौन सा क्वेश्चन होगा। जनरल साइकोलॉजी के पुस्तक बताएंगे, वैसे हम आपको सी वी वुड का नाम सजेस्ट करेंगे, बट अभी इसमें कोई ऑप्शन वो मिला नहीं है सूटेबल वाला, तो इस वजह से इसे छोड़ दिया है। डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के पुस्तक हैं सी वी वुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सोशल लिविंग पुस्तक के लेखक हैं, सोशल लिविंग पुस्तक के लेखक हैं लैंडिस हैं। ओके, थ्योरी ऑफ लर्निंग के लेखक हैं हिलगार्ड। लर्निंग थ्योरीज ऑफ टीचर्स पुस्तक के लेखक हैं मॉरिस एल्बिंग। एक्शन रिसर्च स्टीफन कोरे। यहाँ देखेंगे कौम जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, ये शब्द जो किसने कहा था, ये काम। ओके, ये काम सर समझ नहीं आया मेरे, ये क्वेश्चन क्या है? ये है हु इज नॉट बॉर्न येट द इंस्पायरिंग, यानी कौन प्रेरक नहीं है। ओके, काम नहीं है, कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है, इसका काम होगा। ओके, वर्क यानी कि आप देखेंगे काम, यानी कि यहाँ पर काम से मतलब है सेक्स, इन द सेंस के मेल या फीमेल। ओके, तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने के लिए प्रक्रिया है यह कथन किसका है? देखते हैं, यह है वुड, किसका है? वुड का। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। किसने कहा था कि अभिप्रेरणाएं छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? किसने कहा था कि अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? ओके, ये देखेंगे कि थॉमसन का ये वर्ड था, यानी कि थॉमसन इसे कह सकते हैं, और एंडरसन ने इसे एक्सप्लेन किया था, बस थॉमसन ने इन्हें पूर्ण रूप से प्रूव किया था।
ठीक है। अभिप्रेरणा सीखने के लिए एक राजमार्ग है इसका डायरेक्टली। अब देखिए टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है तो इसलिए मैं इसे फास्ट कर देता हूँ। स्किनर होगा इसका आंसर, ओके। इसका होगा मोटम, ये करेक्ट है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, इसका आंसर होगा सी, ओके। ये जो करेक्ट आंसर जो है इनमें मैंने देखा है कई आंसर जो है मिस्टेक हैं, बाकी करेक्ट है एब्सोल्युटली, तो वो मैं देख बताता चलता हूँ आपको, ओके। 60 क्वेश्चन देखेंगे, 60 ये होगा स्किनर, ओके। 61 होगा आपका ए, और 62 होगा एंडरसन, ये डाउटेबल है, ठीक है। 63 होगा बी, 64 होगा आपका सी, 65 होगा आपका डी, 66 होगा सहज व्यवहार, ओके। 67 होगा आपका डी, 68 होगा आपका ए, 69 होगा आपका ए, 70 होगा आपका ए, 71 होगा आपका बी, 72 होगा आपका सी। देखिए ये तो बहुत इजी है, कुत्ते पर जो प्रयोग किया गया था मनोवैज्ञानिक पेवलोव ने किया था, इन्होंने क्या किया था कि कुत्ते के मुंह से एक खाना खाना रखा था, लार वाला प्रोजेक्ट था इनका, है ना, ये था, ओके। यह अधिगम को स्थानांतरण के मुख्य प्रकार हैं, थ्री कितने हैं, थ्री, ओके। यह थॉर्नडाइक के अनुसार इनमें से सीखने का मुख्य नियम है आत्मीकरण का नियम बी, ओके। इसका आंसर है डी, इसका आंसर है डी, इसका आंसर है ए 77 का, ओके। 78 का बी, 79 का डी, 80 का बी, 80 का है बी, ओके सॉरी 80 ये है, 80 का है बी, और 81 का है आपका सी, ओके। 81 का है सी, 82 का है बी, देखो 82 का है बी, बट आप बी की ओर न जाते हुए इसे करेंगे ए, क्या ये तो बी है, और 83 को आप करेंगे ए, ओके। 84 को करेंगे आप ए, 84 को करेंगे ए, 85 को करेंगे सी, 86 को करेंगे 4, ओके। 87 को करेंगे सी, 87 को करेंगे सी, 88 को करेंगे आप, 88 को करेंगे बी, ओके। 88 को करेंगे बी, 89 को करेंगे सी, 90 को करेंगे डी, 90 का ऑप्शन है वो डी है, 91 का आप देखेंगे तो आपको सी मिलेगा, 92 का मिलेंगे तो 92 का मिलेगा आपको ए, ओके। 92 का मिलेगा ए, 93 का मिलेगा आपको सी, 94 का आपको ऑप्शन है, देखिए चिंतन है, सीखने का उच्चतम स्तर चिंतन स्तर होता है, क्लियर। इसमें जो है इन्होंने लिखा है कि स्मृति बोध और चिंतन ये तीन होते हैं, स्मृति बोध और चिंतनशील, तो सबसे ऊंचा जो होता है फर्स्ट स्टेज वो चिंतनशील होता है, ओके। ये है टॉक्स, टॉक्स की बात करेंगे तो इसका है डी, ओके। प्रभावशाली संचार शिक्षण बनाता है, ये सारे सरल रुचिकार और आकर्षक, ये सारे के सारे ही आपको प्रभावशाली बनाते हैं, यानी कि डी। एक छात्र एवं शिक्षक का संबंध होना चाहिए, किसे, गरिमा का, महिमा का और मधुरिमा का, यानी कि मधुर स्वीटनेस भी होनी चाहिए टीचर्स के अंदर, और एक एक गरिमा भी होनी चाहिए, और एक महिमा भी होनी चाहिए, यानी बाउंड्री लिमिटेशन भी होनी चाहिए टीचर्स के साथ, और एक पोलाइटनेस होनी चाहिए टीचर जब टीचिंग मेथड अप्लाई कर रहा है, तो इसका आंसर होगा डी, ओके। 98 की बात करेंगे तो 98 में आप देखेंगे कि शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है, शिक्षण में देखिए एक शिक्षण है, कोई शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, सामान्य महत्वपूर्ण महत्वहीन, महत्वहीन तो हो ही नहीं सकता, सामान्य भी नहीं हो सकता, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंसी होती है टीचर्स की, क्योंकि टीचर ही स्टूडेंट को सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता है, तब स्टूडेंट उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ओके। यहाँ पर देखेंगे 99, वर्तमान शिक्षा
व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका है किसकी, शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट की जो है मुख्य भूमिका है। इसके बाद आप देखेंगे शिक्षक शिक्षण प्रतिमान शिक्षण को बनाते हैं, यानी कि आप प्रतिभाशाली और विशिष्ट बच्चे जो होते हैं वही इसको मॉडल अप टू अप द टीचिंग बनाते हैं, टीचिंग मॉडल्स को बड़ा लेवल पर ले जाते हैं। तो ये दोनों ही इसका आंसर होगा। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके इस पेपर में थे। इसमें से 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे। अभी यूनिवर्सिटी का पेपर 2023 में शायद चेंज कर दिया हो फॉर्मेट, बट ये 2022 का पेपर है। तो 2022 में जो था वो 50 क्वेश्चंस का था, 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे इसमें से। और ये जो पेपर है आपका लर्निंग ऑफ टीचिंग है, यानी कि ये पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है। तो इस पेपर को आपने सॉल्व किया है आज, तो इसके आप अपना स्कोर देखिएगा कितना बन रहा है। और इस ईयर इस जो है क्वेश्चन पेपर से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाते हैं हमें बताइएगा कमेंट करके। और किसी भी प्रकार के हेल्प के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर की वॉचिंग।